कोसी में एम्स का ही निर्माण, कोसी में ही एम्स का निर्माण हो, ये आंदोलन लगातार तेज हो रही है। तो आमरण ये अनशन जो चल रहा है, इसका दूसरा चरण का आज लास्ट दिन है। कल यहाँ अनशन पे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद आए थे और उसके बाद क्या घटना घटी, हम डॉक्टर गौतम कृष्ण जो पूर्व वीडियो है उनसे हम उनकी जुबानी सुनना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर महकमे में काफी बात को लेकर चर्चाएं बन रही है कि डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। ये बात सही है, तस्वीर बता रही है, लेकिन तस्वीर के पीछे क्या हुआ हम जानेंगे पूर्व वीडियो डॉक्टर गौतम कृष्ण से। कल यहाँ पे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जो आए थे उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया, इनके पीछे का क्या मामला है, जरा ये मामला बताओ। कोसी एक पिछड़ा हुआ इलाका है, आर्थिक संसाधनों और गरीबी से जूझता हुआ कैंसर से पीड़ित हुआ, और एम्स यहाँ का हक हकीकत और जरूरत है। ऐसे मुद्दे को लेकर के, एम्स को मुद्दा को लेकर के हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। लगातार 7 दिन से मेरी अनशन जारी थी, मेरी हालत कल मेरी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसे मुद्दे पर जब डॉक्टर साहब को संपर्क किया गया, डॉक्टर साहब आए चेकअप करने के लिए, लेकिन आने के साथ ही कहते हैं ये एम्स के मुद्दे पर तुम लोग सपना देखना बंद करो, ये कभी एम्स बन नहीं सकता है, तुम लोग झूठा फालतू का काम करते हो, अरे चुपचाप ये घर जाओ, ये गलत चीजें पे बैठे हुए हो, एम्स तो कभी बन ही नहीं सकता है। और साथ ही साथ मानवता और अन्य चीजों को भी दरकरार करते हुए जूता पहने हुए हमारे बीच में आए और हमारे शरीर पे लात रख दिए। और ऐसी स्थिति में जब हमारे आदरणीय अध्यक्ष एम्स निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विनोद बाबू ने कहा डॉक्टर साहब ये अनशन स्थल है, आप कम से कम जूता उतार दीजिए, तो हमारे अध्यक्ष जी की भी बात को उन्होंने नहीं रखा और फिर कहे कि यह अनशन कभी होने वाला नहीं है। तब हम तो चूंकि बेहोश थे, उस करीबी थे, हम चुपचाप थे, लेकिन मुझे लगा यह मौत से कम नहीं है, इनकी बातों को जहर जैसा लगा। फिर जो आदमी यहाँ बैठे हुए थे, जो अन्य समर्थक लोग थे, उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब आप कैसे मानते हैं कि एम्स यहाँ नहीं बनेगा, आखिर क्या षड्यंत्र हो रहा है, क्या कारण है, आपको कहाँ से ये गुप्त जानकारी मिली है कि आप कहते हैं कि यहाँ एम्स निर्माण नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ कि डॉक्टर साहब आप सरकारी सेवक हैं, आप मानवता के रक्षक हैं, मैं सभी डॉक्टर साहब को मैं विनम्र निवेदन के साथ कहता हूं, अगर इन डॉक्टर साहब के बाद कोई डॉक्टर साहब कहें जो गौतम कृष्ण का चेकअप के लिए आए हैं या किसी अनशनकारी का चेकअप पूर्व में भी आए हैं, आदरणीय प्रवीण आनंद जी लोग भी बैठे हुए थे, अगर कह दे कि अनशनकारी किसी के साथ अभद्र व्यवहार किए हैं या गलत व्यवहार करें हैं, तो जो तय किया जाएगा दंड, वो दंड देने के चुकाने के लिए गौतम कृष्ण तैयार है। लेकिन अगर सरकार और किसी साजिश का शिकार होकर के अगर अन्य बातें की गई है, तो हम कहते हैं मैं भी गौतम कृष्ण बोल रहा हूँ, गौतम कृष्ण अपने लिए नहीं लड़ रहा है या कोसी के लिए लड़ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एम्स हमारा कितना हक हकीकत और जरूरत है और इसके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तो डॉक्टर साहब सर्जन से क्या डरने की बात है, गौतम कृष्ण जिंदाबाद। क्या आपने डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार किया है, हमारी फोनिक वार्ता IMA के सचिव डॉक्टर सुरेंद्र कुमार से भी हुई है, उन्होंने भी काफी रोष जताया है कि पूर्व वीडियो डॉक्टर गौतम कृष्ण ने डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया है और जिसकी कार्रवाई के लिए वो लोग शासन प्रशासन को सूचना दे रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अभद्र व्यवहार हुई है उनके साथ? जी बिल्कुल, उनके साथ नहीं हुए अभद्र व्यवहार, उनको सिर्फ ये कहा गया कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि यहाँ एम्स का निर्माण नहीं होगा। और आप अगर वीडियो भी देखेंगे तो उस वीडियो में वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आप हम पूछते हैं कि आप कैसे किस आधार पे आप जानते हैं, मैं तो उनके क्लिनिक पे और निजी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और सहरसा में वो पोस्टेड है, मैं उनपे जांच बैठाने की मांग करता हूँ। मैं मांग करता हूं सरकार से कि ऐसे डॉक्टर जो 500 रुपये की फीस पे लोग 2-3 लाख का प्रैक्टिस बनाए हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति कभी एम्स निर्माण होने देंगे कि कोसी में? आप लोग मुझे जवाब दे दीजिए। तो ऐसे व्यक्ति क्यों नहीं कहेंगे कि एम्स निर्माण यहां नहीं होगा? तो आपके अंदर कुछ छुरी, मन में राम और बगल में छुरी, आप चाहते कुछ और है। आते हैं दिखाने के लिए, सरकारी हॉस्पिटल में आप पोस्टेड हैं और 2 लाख का प्रैक्टिस रोज का बना हुआ है, और आप आते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ, मैं आदरणीय MCI के जो सचिव हैं, वही ना शैलेंद्र बाबू, मैं आपसे कहता हूँ विनती पूर्वक, मैं भी शासन प्रशासन में कभी जिम्मेवारी उठाया हूँ सर, मैं कभी गलत तरीके से पेश नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे जिम्मेवारी का एहसास है। लेकिन गलत बोलने वाले और सपना तोड़ने वाले इंसानों के साथ तो कुछ बात तो पूछा ही जा सकता है कि आखिर इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। क्या नाम डॉक्टर गौतम कृष्ण, पूर्व वीडियो।